हेलो एवरीवन, अब हम अपना नया चैप्टर दैट इज़ लाइट शुरू करेंगे। तो इससे पहले कुछ लाइट की कुछ डेफिनेशन है कि लाइट होती क्या है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमें देखने, जिन ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमें हेल्प करती है, वो क्या है? लाइट है। क्या है? लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट आप सभी को पता है कांस्टेंट होती है। कितनी होती है? 3×10⁸ स्पीड है तो यूनिट क्या होगी? मीटर सेकंड, ठीक है, इनवर्स, या फिर मीटर पर सेकंड स्पीड होगी। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? कांस्टेंट सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, एक टर्म आई है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है? जो स्ट्रेट लाइट है, देखो, एक लाइट जो आ रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इस लाइट की, इसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो आ रही है, और जो नंबर ऑफ लाइंस आ रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं अ बंडल ऑफ एडजेसेंट लाइट रेज इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। उसको बोलेंगे हम बीम ऑफ लाइट। तो आई होप जिनको ये नहीं पता होगा रे कौन सी होती है और बीम कौन सी होती है लाइट की, अब उनको पता चल गया होगा। हम एक्सपेरिमेंट में कई बार यूज़ करते हैं कि हम एक रे जो है ना लाइट की, वो उस पर डालेंगे, और कई बार हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं कि हम एक बीम ऑफ लाइट डालेंगे। बीम ऑफ लाइट का मतलब है वहाँ से बहुत सारी रे की लाइट निकल रही, बहुत सारी लाइट निकल रही हैं, बहुत सारी रेज हैं, है ना। और रे मीन्स एक सिंगल लाइन जो लाइट की, जो किसी ऑब्जेक्ट पे डाली जाएगी। अब आप सभी को पता ही होगा कि लाइट में जो है ना ट्रांसपेरेंट भी है, मतलब ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि लाइट की जो रे आ रही है, इसमें ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दो तरह की वेव आती है, जिसको हम पोलराइजेशन के थ्रू जो है ना अलग करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट, दो कंपोनेंट चलते हैं जो नॉर्मल जो हमारी लाइट होती है उसमें, फिर हम उसको चेंज कराते हैं, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कि हमारा जो लेंस, मिरर, जो भी हमारे क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड कंपटीशन एग्ज़ाम में, वो हम देखेंगे। अब देखो, डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये लाइट आई है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है, अब इससे लाइट टकराई और इस डायरेक्शन में चली गई, ठीक है, कुछ एंगल बनाते हुए, ठीक है। तो ये जो लाइट बैंड हुई है अपने पाथ से, ठीक है, या फिर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये लाइट आ रही है और लाइट क्या हो गई? ऐसे बैंड हो गई, ठीक है, बैंड अराउंड द कॉर्नर्स। जैसे आप दरवाज़ा बंद कर लेते हो तो आप देखोगे कि दरवाजे के नीचे से जो है ना आवाज़ आ रही है, या फिर कोई दीवार है उसके कॉर्नर से बैंड होके आप तक आवाज़ पहुंच रही है ना, जो लाइट है वो पहुंच रही है। ऐसे ही जब आवाज़ जो है हमारी, वो भी डायफ्रैक्ट होती है, लाइट जो है ये भी डायफ्रैक्ट होती है। आपने देखा होगा कि पूरे रूम में अंधेरा कर दिया और बाहर लाइट जल रही है, तो उसकी भी लाइट आपको रूम में हल्की रोशनी आपको दिखाई देती है, तो वो क्या है? तो जो लाइट है जो बाहर है, वो बैंड होके किसी भी ऑब्जेक्ट से वो आपके रूम तक पहुंच रही है। दैट इज़ डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट, बैंडिंग ऑफ रेज अराउंड एन ऑब्स्टकल फ्रॉम इन इट्स पाथ। जो उसके पाथ में जो ऑब्जेक्ट्स आ रही हैं उससे बैंड होना लाइट का, मीन्स सिंपल सी बात है, बैंडिंग ऑफ द लाइट इज़ डायफ्रेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका है रिफ्लेक्शन। दो टर्म होती है, एक तो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। ये कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस, ठीक है, इसके ऊपर लाइट डाली जाएगी, ये लाइट डाली गई, ठीक है, ये होता है नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। जो ये लाइट डाली जा रही है, इसको तो बोलते हैं हम इंसिडेंट लाइट। देखो, इंसिडेंस कराई जा रही है, फॉल कराई जा रही है। अब ये यहाँ इस जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है,
इससे टकरा के ये कहाँ जाएगी, वापस जाएगी, इसको तो बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड लाइट। ये सभी को पता होगा, ये नॉर्मल सी बात है। ये जो एंगल बनेगा ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल बनेगा डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये होगा एंगल ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन। अब जो ये नॉर्मल है, अगर ये सरफेस, यहाँ से मैंने पॉलिश दिखा रखी है, अगर ये सरफेस पॉलिश ना होती और दो तरफ में आ सकती, जैसे आप अपना मिरर देखोगे ये एक तरफ से पॉलिश होता है, तो हमें अपनी इमेज कैसी मिलती है, रिफ्लेक्टेड मिलती है, जो घर में हम डेली यूज़ करने वाला मिरर देखते हैं। अब आप गाड़ी का शीशा वगैरह देखो, तो जो गाड़ी का मिरर है, जो साइड मिरर है, जो विंडो मिरर है, उसमें क्या होता है, जब वो बंद रहती है तो हमें कुछ अमाउंट में अपनी इमेज दिखाई देती है और कुछ हम अंदर की ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं। तो ये लाइट आई, ये नॉर्मल है, यहाँ से क्या हो गई, वापस चली गई। तो जो हमें अपनी इमेज दिखाई दे रही है वो तो है रिफ्लेक्टेड इमेज, ठीक है, और जो हम अंदर की चीज़ें देख पा रहे हैं, ठीक है, कुछ लाइट अंदर चली गई बैंड होके, ठीक है, ये बाहर एयर है और वहाँ गाड़ी के अंदर भी एयर ही है, एयर टू एयर का दिखाया है मैंने, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। तो पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स रिफ्रैक्ट हो गई, यहाँ से बैंड हो गई, तो आर आएगा यहाँ पे रिफ्रैक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्शन सेम प्लेन में होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफरेंट प्लेन में होता है, ठीक है, कि जो लाइट पूरी 100% वापस नहीं जा सकती, ये 100% वापस नहीं जा रही, ठीक है, तो वो जो मान लीजिए ये 90% वापस चली गई, तो जो 10% लाइट बची है वो क्या हो गई, वो हो गई रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, वो अंदर की तरफ आ गई, तो ये होता है रिफ्लेक्शन, ये होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इमेजेस कैसे फॉर्म होती है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, कनकेव कन्वेक्स मिरर और लेंसेस। फर्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की लॉज क्या है कि रिफ्लेक्शन कब होगा, ठीक है, तो इसके कुछ रूल है। पहला रूल क्या है कि जो एंगल होगा इंसिडेंस का और रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी बताया था, ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल और ये वापस गई, तो जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा, जो थीटा होगा दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो ये डेल्टा होगा ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है फर्स्ट लॉ, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो ये इंसिडेंस है, दूसरी लॉ क्या कहती है, जो ये इंसिडेंस है और जो ये रिफ्लेक्टेड है, ये जो है ना, दोनों सेम प्लेन में लाई करेगा, ये बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है, दोनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ, जो सिल्वर मेटल है ना आपकी, वो क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट की। तो आपसे पूछ लिया जाए विच मेटल इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, दैट इज सिल्वर, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट,
जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है। दूसरा पॉइंट ये याद रखिए, ये नोट करके लिख लेते हैं, हम नोट डाल देते हैं यहाँ पे नोट। फर्स्ट क्या हो गया कि सिल्वर जो है बेस्ट रिफ्लेक्टर है अमंग मेटल्स, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है नोट में कि जितनी भी आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उन पे ये ला क्या होगी, वैलिड होगी। ला इज वैलिड ऑन ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ये दो पॉइंट, ठीक है। फिर इसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि इमेज कैसे कैसे बनती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।